ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। दोस्तों आप लोग का जनरल हिंदी का ये टेस्ट नंबर 5 है, तो जितने लोग भी इस क्लास में जुड़ चुके हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। जितने लोग भी इस क्लास में जुड़ चुके हैं आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं या नहीं, और जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की सूचना आपको मिल सके, ठीक है। ये क्लासेस आपका लाइव स्ट्रीम हो रहा है बट जो है आपका प्रीमियर रूप में है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आपको बाद में ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा और नेक्स्ट क्लास जैसे ही आपका लाइव होता है आप लोगों को उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपका पिछला क्लास समाप्त हुआ था वहीं से आगे हम बढ़ रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपका और पूरा देखिएगा इस क्लास को। अगर कोई भी क्वेरी मन में होगा, कोई भी क्वेश्चन मन में होगा तो आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? उपसर्ग का प्रयोग जो है वो कहां पर होता है? इसका उत्तर है शब्द के आदि यानी आरंभ में। अगला क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रत्यय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? थोड़े उपसर्ग के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसका उत्तर है बी, प्रति जो है आगे ये आपका उपसर्ग है, उपसर्ग शुरुआत में लगता है। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी उसे अपोजिट उल्टा बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? वेरी गुड, इसका उत्तर है बी यानी आ। निर्वाचित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वाचित में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर है इत, इत जो है आपका प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। इसका उत्तर है डी, अक जो है आपका ये प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इसका उत्तर है आ, बड़ा आ, ये जो है इस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को कमेंट करते रहना है। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। इसका उत्तर है बी आ, ठीक है, आशुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी विलोम अपोजिट बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका उत्तर है सी अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? इसका उत्तर है डी प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? इसका उत्तर है बी अति, ठीक है, अत्याचार, तो इसको बोलते हैं जुल्म, ठीक है, अति प्लस आचार, तो अत्याचार जो है आपका जुल्म कहलाता है एक तरह से। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? इसका उत्तर है बिकाऊ। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है?
दिखावा चढ़ावा लावा भुलावा, किसमें कौन सा आवा प्रत्यय नहीं है? इसका उत्तर है सी, लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इसका उत्तर है डी, प्रस। प्रस जो है आपका ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी अपोजिट हो जाए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अव्यवस्था। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है डी, धनिक में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सभी लोग क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है डी, जादूगर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है उपकार। उप जो है आपका ये उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर है डी, अनु जो है आपका उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जल्दी बताइए चारों में कौन सा है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है सी, 42। ठीक है, 42 जो है कृत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? प्रत्यय का उपयोग कहां पर कैसे किया जाता है उसके बारे में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित पद इक जो है ये प्रत्यय लगने से बने हैं। ठीक है, इनमें कौन सा पद जो है गलत है? निम्नलिखित जो पद दिए हैं आपको, ये चारों जो पद दिए हैं, इसमें कहीं ना कहीं इक प्रत्यय लगा है, तो आपको बताना है किस जगह पे जो इक लगा है वो गलत है। इसका उत्तर है डी, पच्छिक। इसमें जो इक प्रत्यय लगा है गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन डी जो है यहां पर उत्तर हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो इनमें किसी में भी प्रत्यय नहीं लगा, इसमें उपसर्ग लगा। अभी, व्यायाम में व्यय, ठीक है, और अप, तो ये जो है उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बे जो है आपका उपसर्ग है। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सहित नहीं, रहित, मतलब तो जिसमें उपसर्ग नहीं है, बताइए। 27वां क्वेश्चन है। इसका उत्तर है डी, सुरेश जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आव। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर है सी, वी। अगला क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर है बी, चिर। देखिए, जितने लोग भी वीडियो को कमेंट देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली क्लास चल रहा है, 10 PM पर आप लोगों का हिंदी का क्लास चल रहा है, 9 PM पर आप लोगों का जीके का लाइव टेस्ट चल रहा है, और 8 PM पर आप लोगों का
मैथ का क्लास चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय आखिरी में लगता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ला। अगला क्वेश्चन, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करिए, कौन सा प्रत्यय इसमें है? इसका उत्तर है ए, हर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका उत्तर है डी, ओढ़ना में। अगला क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है ए, सम। अगला क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? सभी लोग कमेंट करें, इसका उत्तर है बी, पूरे है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर है सी, अव। अगला क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ई, ठीक है। लास्ट में जो है प्रत्यय लगता है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईष्ट, ठीक है, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, इसमें उपसर्ग आपको पहचानना है, कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर है सी, अति। अगला क्वेश्चन, अमावट में कौन सा प्रत्यय है? अमावट में आपको प्रत्यय पहचानना है। इसका उत्तर है सी, आवट। ऑप्शन नंबर सी जो है आवट है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए? आज 40 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से 40 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अब बनेगा तो आप अटेम्प्ट करने की उसकी कंडीशन में रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दें, ठीक है। आपकी तीनों क्लासेज चल रही है, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। शाम में उन क्लासेस को जरूर देखें और वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। और आज आपका कौन सा क्लास था? तो आज आपका 5वां क्लास था, हिंदी वाला, ठीक है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोई भी एग्जाम हो रहा होगा उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे। इसी वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है। और वीडियो को थम्सअप कर दीजिएगा, जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करके नीला कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।